धनंजय हो, चाहे खेसारी हो, चाहे पवन हो, सब कोई उठा करके मेरा गाना गाया है। आज खेसारी का भी शूटिंग चल रहा है गोरखपुर से। लगबलू ए मैया नीमी, यहाँ के डढ़िया ए मैया नीमी, यहाँ के डढ़िया हो किया हो मई झीर झीर बहे लबे यार। और दूसरा उसमें हिट हो गया कि पाँच पाँच पानवा के पाँच हो कसैली, हम त दुर्गा माई के भेजीले नेमतवा हो ना। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं जस्ट बिहार और फर्स्ट हिंदुस्तान। मैं हूं आपका दोस्त पंकज। अभी हमारे साथ है राधे श्याम रसिया जी। हम इनसे पूछते हैं कि अच्छा सर, आपको राधे राधे श्याम रसिया क्यों बोला जाता है? देखिए, इसका एक राज है जी। राधे श्याम रसिया का मतलब ये हुआ, मैंने गायकी लाइन में नाम रखा राधे श्याम रसिया। तो हिंदू धर्म में जब भी कहीं जाइएगा तो हर जगह पर किसी का भी नाम जोड़ करके जब शादी में लोग जाते हैं, खाना खाते हैं जी, तो जेवन बैठे ले फलाना रसिया। जैसे आपका नाम क्या है? पंकज कुमार। पंकज कुमार जी, जी। तो जेवन बैठे ले पंकज रसिया, वो लोग रसिए बोलते हैं जी जी। और इसे भी मेरा राधे श्याम नाम है जी। तो मैंने टाइटल रखा राधे श्याम रसिया। अब दूसरी बात कि हर जाति में हिंदू धर्म में लोग खाना खाने जब बैठते हैं, शादी विवाह तिलक उलक में, तो रसिया ही लगाया जाता है। ये नहीं बोला जाता है कि जेवन बैठल है पंकज सिंह और फलाना ठिंगी, नहीं। जेवन बैठल है पंकज रसिया, जेवन बैठल है फलाना रसिया, मैंने सब नाम के साथ रसिया जुड़ा हुआ है। और मेरा नाम राधे श्याम रसिया जी। जी, जैसे कि आपका ज़्यादातर आप सेठ सॉन्ग गाते हैं, क्यों गाते हैं सर खाली ज़्यादातर सेठ सॉन्ग? देखिए, सेठ सॉन्ग गाने का कुछ राज है जी। क्या राज है? राज का मतलब क्या है? लोग समझते हैं कि हम किसी से प्यार करते हैं जी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जी, जी। प्यार करते हैं, एक छोटा भाई से करते हैं, एक भाई से करते हैं, बेटा से करते हैं, माता और पिता, मैंने सबसे भी प्यार है जी। अब रही बात कि लोग सोचते हैं कि आपका गाना इतना हिट होता है, इतना बढ़िया चलता है, सेठ सॉन्ग काहे इतना गाते हैं, तो हम किसी से प्यार थोड़ी गए हैं। लेकिन दूसरा चीज़ कि मैं उसमें डूब जाता हूँ कि मुझे किस तरह गाना चाहिए। जैसे कोई पकौड़ी बना रहा है, कोई छोला बना रहा है, कोई कुछ भी बना रहा है, तो कोई चाउमीन बना रहा है, तो वो लोग अपने हिसाब से ना नमक डालेगा, अपने हिसाब से ना सब कुछ डालेगा जी, जी। तो मैं इसी तरह गाना में मैं डूब जाता हूँ और डूबने के बाद से इसी तरह मैं गा देता हूँ। अच्छा सर, आप जैसे कि अभी आप देखें ये राधे श्याम रसिया जी का जो नाम का टाइटल था, ये क्यों रखे और अभी आगे आपका क्या प्लान है? देखिए, आगे का प्लान यही है कि कम से कम नई सोच और एक नई खोज जी। वो भी एक चैनल है, जो लोग हमारा इंटरव्यू लिए हैं दो तीन दिन पहले, नई सोच और नई खोज। अब रही बात कि नई सोच और नई खोज, मेरा नया सोच है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या गाना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए। हमारे मार्केट में एक उन्हवा मोड़ है, इस मार्केट में हम दो महीना तीन महीना पर एक दो बार आता हूँ, नहीं तो इस मार्केट में हम जल्दी नहीं आते, जबकि मार्केट कोनो हम लोग का है। अब रही बात कि एक नई सोच है, आज अब इस तरह का लोग अश्लीलता गाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग अश्लीलता गाएंगे तो हम लोग से ज़्यादा कोई कुछ गा सकता है? लेकिन हम लोग दुवर्थी गीत गाते हैं तो वो लोग तो कुछ वो उठा करके कुछ वो गा रहा है। पढ़े का पेन देव आप, पढ़े का लालटेन देव। देखिएगा, राधे श्याम रसिया के पास दो कलम है जी, है। अब रही बात की क्या गाना है, कि पढ़े के पेन दें, बारात के लालटेन दें, यही ट्यूशन कराते हैं, यही शिक्षक हैं, टीचर हैं आप, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? सामने कोई मिलता है तो हम छोड़बो नहीं करते हैं जी, जी। आओ सामने और जाओ सामने जी, जी। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे थे ये हम लोग कुनहवा मोड़ पे थे। अच्छा सर, अभी आप अपने दर्शकों के लिए कोई गाना गाकर सुना दीजिए। दर्शक के लिए क्या सुनेंगे जी? सब कोई तो मेरा हमारे घर का है, जो आपको देख रहे हैं इस पे, उस पे उनके लिए कोई गाना गाकर सुना दीजिए। देखिए, सब कोई हमारे घर के लोग हैं जी, और ये मार्केट ही हम लोग का है जी, जी। तो अब रहा कि दर्शक लोग तो रोज सुनते हैं हमारे गाना, तो अब मैं क्या सुना सकता हूँ? जैसे कि अभी आप लोग देख रहे थे जस्ट बिहार और फर्स्ट हिंदुस्तान। मैं हूँ आपका दोस्त पंकज, कैमरामैन अरविंद के साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो धन्यवाद।